हमारे साथ मौजूद हैं जनपद अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह। उन्होंने अमरोहा की एज ए एएसपी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी कार्य करने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में हमने उनसे बात की, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी उदय शंकर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपने एज ए एएसपी अमरोहा के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, आपकी कार्य करने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, पुलिस का कार्य निर्धारित है, अपराध का अनावरण करना, अपराध को घटित होने से रोकना, जनता का सहयोग प्राप्त करना। तो इसके लिए दो बिंदुओं पर फोकस होगा प्रमुख रूप से, एक सामुदायिक पुलिसिंग, कैसे जिस जनता के लिए पुलिस कार्य कर रही है उस जनता को यह एहसास कराते हुए कि हम उसकी रक्षा के लिए हैं, हम उसकी मदद के लिए हैं और उसकी मदद से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करें। इसके लिए हम लोग कार्य योजनाएं बना रहे हैं, कुछ उसके अंतर्गत कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीडिया का भी एक बड़ा प्रमुख रोल होता है विकास करने में, अपराध को नियंत्रित करने में, जनभावना बनाने में। मीडिया को पुलिस की कार्यवाहियों के बारे में कैसे त्वरित जानकारी दी जाए, पुलिस के जनता से किस प्रकार का जुड़ाव हो रहा है, जनता के सहयोग से उसके साथ मिलकर किस प्रकार से बेहतर पुलिसिंग का प्रयास किया जा रहा है, अपराधियों पर किस प्रकार से नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है, यह जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया से भी संवाद की स्थिति लगातार बनाए रखने का प्रयास होगा। और प्रयास ये होगा कि हम जनपद में एक टीम के रूप में, एक यूनिट के रूप में जन कल्याण के लिए मिलकर सबके साथ कार्य करें। From this district, what will you do to prevent crime? Basic work of the police is to prevent the crime and to detect the criminals who have committed crime. At the same time, we have to focus over how to gain the participation of citizens, participation of persons for whom we are working in policing. To create the socialized, more humanized face of the police among the people, we will do our best. आप अपने स्तर से पुलिस विभाग में सुधार के लिए क्या करेंगे? अपने स्तर से सुधार के लिए एक टीम लीडर के रूप में टीम भावना के साथ हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रयास यह भी करेंगे कि हमारे अंदर लगातार ऐसी भावना बनी रहे कि जनपद में मौजूद समस्त एजेंसी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, हम सारे लोग जन कल्याण के लिए, जन विकास के लिए, जन सुरक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं या अपनी संस्था बनाए हुए हैं। हम सारे लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की दिशा में भी जो बेहतर प्रयास मेरे स्तर से हो सकेगा वह किया जाएगा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को मेरी तरफ से यही संदेश है कि यह जनपदीय पुलिस आपकी पुलिस है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, यह आपके द्वारा दिए गए टैक्स से यह चलती है, इसलिए इसकी जितनी भी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है। आप इसी भावना के साथ अपनी दुख दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने फीलिंग को, अपने सुझावों को हमारे साथ शेयर करें। हम आपका स्वागत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर एक बेहतर समाज की स्थापना करने में हम लोग मिलकर सकारात्मक अपना योगदान दे सके। ये थे जनपद अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, जीपीएन 7।